हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत ही बहुत स्वागत है हैवे क्लासेस में। फ्रेंड्स, मेरा नाम है अतुल सिंह। आज हम लोग यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, समझेंगे मल्टीप्लाई करने से गुणा हमें क्या यूनिट डिजिट मिलनी चाहिए, कितनी पावर हो, कैसे हमें सॉल्व करना है यूनिट डिजिट वाले केसेस को। ओके, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी आप लोगों को दिखाए जाएंगे, जैसे कि आप लोगों से पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम बता दें, जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आप लोग मैथ आप बहुत ही आसानी से सीख पाए। तो चलिए स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट क्या है। ये इकाई अंक ज्ञात करना, यूनिट डिजिट इकाई अंक, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल संभव नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट सीखे हैं कहीं से भी तो आप बहुत ही इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमने पूछा, से मैंने पूछा कि ये 26 एंड 27 का जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिजिट आएगी, जो भी संख्या आएगी, उसके लास्ट में इकाई अंक जो भी पीछे होगा। भाई इकाई अंक क्या होता है? पीछे होता है सबसे। इकाई अंक क्या होगा वो आपको बताना है। तो अगर आप 26 और 27 की गुणा करा के यहाँ पर लिखते हैं तो आपको बहुत ही कठिन पड़ने वाला है, लेकिन अगर आप जानते हैं इनकी इकाई अंक तो इकाई अंक से ही मतलब है। तो 6 और 7 की गुणा कराइए आप, तो 6 एंड 7 की मल्टीप्लाई कराइए तो यहाँ पर आ जाएगा 6 7 42, कितना आ जाएगा 42। अब 42 में जो यूनिट हो, ठीक है, तो 42 में जो सबसे लास्ट में हो, जो 42 में 42 में जो इकाई अंक है वो हमारा है 2, तो इसकी मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा इकाई अंक कितना आएगा, 2 आ जाएगा। इसी प्रकार आप लार्ज नंबर भी ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया 35 × में और यहाँ पे लिया 436। तो अगर आप इसका मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इसके इकाई में कितना आए, तो आपको कुछ नहीं करना, 5 और 6 की मल्टीप्लाई करानी है तो कितना आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30। अब 30 में देखिए क्या है यूनिट डिजिट, इकाई अंक क्या है, तो 0 है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0। आपको पूरी गुणा यहाँ से नहीं करानी है, ओके, आपको केवल यूनिट डिजिट से ही मतलब रहेगा, ओके। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूँ और फिर आप हमें आंसर कीजिए। देखिए, जैसे मैंने लिखा 631, 289, ठीक है, मैंने इन डिजिट्स को लिखा हुआ है। अब इनका आप मल्टीप्लाई करके हमें यूनिट डिजिट बताएंगे। अगर आप सोचो कि इसका मल्टीप्लाई क्या संभव है, जी नहीं, आप इसको अपने जो है विद इन पेन से नहीं कर सकते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं कोई अप्रोच होगा, तो आपको करना क्या है फ्रेंड्स, तो देखिए बहुत ही इजी है। आपको क्या करना है, केवल यूनिट डिजिट से ही मतलब रखना है। तो यूनिट डिजिट की गुणा कराइए। देखिए, इकाई अंक और इकाई अंक की मल्टीप्लाई हम कराएंगे। जैसे कि देखो भैया, 1 और 9 की गुणा कराएंगे कितना, 9 आ जाएगा। फिर 9 1 9 आ जाएगा, फिर 9 ने 81 आ गया। अब देखिए 81 को लेकर नहीं चलना है, 81 का 1 ले लो। 81 का 1 लेते ही 1 आया, तो 1 की गुणा 6 में कराओ, 6 कम 6, तो इसका फाइनली आंसर कितना आ गया, 6। इसका जो पूरे का अगर मल्टीप्लाई किया जाए बाई कैलकुलेटर से तो उसका जो लास्ट में यूनिट डिजिट होगा वो आ जाएगा आपका 6, ओके। किसी को कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा, जैसे मैंने लिखा 6, ठीक है। अब इसका आपको बताना है हमें इकाई अंक कितना
आएगा। देखिए तो यहाँ पर, तो देखिए आपको करना कुछ नहीं, यहाँ पर देखिए भैया एक इसका लेना इकाई अंक, इसका इकाई अंक, एक एक गुणा कितनी, एक वन एंड वन की मल्टीप्लाई करेंगे वन आ जाएगा, वन की मल्टीप्लाई फिर टू से करेंगे टू आ जाएगा, क्योंकि एक और दो की गुणा कितना दो, फिर दो दो कितना चार, और चार आ गया चार छः चौबीस, जैसे ही चौबीस हुआ तो चौबीस ना लो चार लो, चार लिया चार चक्कू सोलह, सोलह हुआ सोलह का क्या लेंगे छः, इकाई अंक कितना आ जाएगा छः, इसका भी इकाई अंक आएगा भैया कितना सिक्स आ जाएगा। ओके देखिए भाई यहाँ से एक और एक की मल्टीप्लाई हो गई, एक और एक इसकी करेंगे दो के साथ, तो दो एक कम दो, दो दूनी चार, और फिर चार छः चौबीस, चौबीस चौबीस हो गया, चौबीस का हमने ले लिया कितना चार, चार चक्कू सोलह, सोलह का भी ले लेंगे छः, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा छः आ जाएगा। ओके इसी तरह के फ्रेंड्स कितने भी लंबी आपको लिखा हुआ हो ऐसा कहें इकाई अंक बताओ, तो आपको सेम इसी प्रकार इकाई इकाई से मतलब हमें रखना होगा। ओके क्लियर है। अब देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा ठीक है, अब इसकी आपको मल्टीप्लाई करानी है, तो देखिए फ्रेंड्स इसकी मल्टीप्लाई हमें कैसे करनी है, देखिए भैया आठ आठ यहाँ से लिया, आठ पंचे कितना चालीस, अब देखिए आपके पास आ गया कितना चालीस, फोर्टी आ गया, फोर्टी में देखिए ये जीरो है, क्या है ये जीरो आपके पास है, अब देखिए अब आपको आगे मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नीड नहीं है, क्यों, क्योंकि जीरो आ गया, जीरो से जितने से भी गुणा कराते जाओगे वो जीरो ही करता जाएगा, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा जीरो, जहां पे पहले जीरो मिल जाए तो आपको फिर चेक नहीं करना है, तो भाई जीरो आ गया आठ पंजे चालीस, जीरो लिया जीरो से आठ से गुणा कराएंगे फिर जीरो ये सब जीरो बनाता जाएगा, तो इस तरीके से कितना आ गया जीरो। ओके ये फर्स्ट टाइप है, क्लियर है आप लोगों को, 27 to power 39 का हमें कैसे सॉल्व करना है, अगर ये स्क्वायर होता है क्यूब होता है तो फोर्थ बार होते तब तो आप कर सकते, लेकिन यहाँ से मोबाइल भी आपको जवाब दे देगा कि भैया ये हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखी गई है, तो आपका इसका यूनिट डिजिट बताना है, क्या बनाना है यूनिट डिजिट, आपको इसका जो है यूनिट डिजिट बताना है। देखिए यूनिट डिजिट आप कैसे इसका बता पाएंगे, तो सबसे देखिए यहाँ पर क्या करना है, मैं यहाँ पर बिल्कुल यूनिक मेथड आपके साथ शेयर करूंगा, आप कहीं पर भी अप्लाई कीजिए, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। देखिए जो पावर आपके पास दी गई है, जो पावर उसको आपको फोर से डिवाइड करना है, कितने से फोर से डिवाइड करना, हमेशा फोर से ही डिवाइड करना है। देखिए जब आप फोर से डिवाइड करेंगे जो भी पावर होगा उसका शेष आएगा एक, दो आएगा, तीन आएगा, क्या शेष चार आएगा, चार नहीं आएगा, जीरो आ जाएगा, कितना आ जाएगा जीरो शेष आएगा, तो भाई जो भी पावर होगा हम तो एक लगाएंगे दो लगाएंगे तीन आएंगे, जब जीरो हो तो उसके ऊपर घात लगाएंगे चार, ठीक है देखते हैं कैसे, अभी तो आप देखते रहिए। यहाँ पर जैसे मैंने शेष को ही लगाएंगे उसके ऊपर, देखिए जैसे हमने 39 को अगर हम चार से डिवाइड करें तो चार नेम कितना 36 और नौ में छः गया बच गया कितना तीन, शेष कितना बच गया तीन, बस इस शेष को ही हमें इस पे लगा देना है, किसके 27 के ऊपर हमें शेष को ही लगा देना है। अब देखिए 27 का क्यूब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है भाई, इसका मतलब यह है कि 27 × 27 × 27 भाई तीन बार लिख सकते हैं, क्यूब हो गया, स्क्वायर का मतलब दो बार मल्टीप्लाई करते हैं और क्यूब का मतलब तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 7 × 7 कितना 49, 7 × 7 49, 49 का आप देखो पूरा 49 नहीं लेना केवल 9 लेना है, तो 9 ले लो, 9 × 7 = 63, अब 63 का क्या लेना है तीन, 63 का क्या लेना है तीन, तो इकाई अंक इसका कितना आ जाएगा, इकाई अंक आएगा भैया तीन, कितना आ जाएगा इकाई अंक तीन आ जाएगा। ओके क्लियर है आप लोगों को, चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग और समझते हैं, देखते हैं, देखिएगा जैसे मैंने लिखा हुआ है 48 पावर लिखा मैंने 73, कितना 73, तो देखिए यहां पर आपको सबसे पहले अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए कि 73 जो है उसको हमें डिवाइड करना है चार से, तो देखिए चार से डिवाइड करेंगे 73 को, देखिए भाई एक बार गया चार एकम चार तीन नोट कर लिए 33 हो गए, चार आठ कितना
32, तो कितना शेष बचा? एक। अब एक शेष को ही इसके ऊपर लगा देना है, तो 48 के ऊपर एक लगाएंगे मतलब कितना, 48 एक बार तो इकाई कितना, 8 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से 4 से डिवाइड करने के लिए आपको ये नहीं करना है, तो सबसे पहले जो जो भी है 4 से आप ऐसे मौखिक डिवाइड कर सकते हैं ओरल ही, 4 एकम 4 3 बचा 33 हो गया, 4 8 32, एक शेष बचा, जो शेष बचे वही लगा दो। कभी कभार 0 शेष बचे तो यहाँ पर 0 नहीं लगाएंगे, 4 लगाएंगे, यह चीज हमने आपको यहाँ पर बताई रखी है, मैं आपको अभी समझाऊंगा भी। तो चलिए देखते हैं, चलिए देखिए भैया हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए जैसे मैंने लिया 952 की पावर, 952 है और की पावर जो है हमने घात ले ली है 67, कितनी 67 ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, 67 को 4 से डिवाइड करना है, शेष जो है वो लगा देना है। तो देखिए 4 एकम 4 2 बचा 27 हो गए, तो 4 7 28 होता है, तो और जाएगा नहीं, 4 6 24, 3 शेष बचा, कितना 3, यानी कि 952 के ऊपर आपको लगा देना है 3। इसका मतलब आप 3 बार लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पर जो भी लास्ट में लिखा हो उसका क्यूब कर दीजिए, बस आपको झंझट यहाँ से खत्म। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, क्या आपका आ गया आंसर, 8। इकाई कितना आएगा, 8 आएगा। आप इसको 3 बार लिखेंगे तब भी उतना ही लगना है भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे ही करना, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए और मैं एक बात आपको बता दूं, यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए जब भी किसी भी जिसका हमें इकाई अंक निकालना है, अगर उसके लास्ट में यहाँ पर 0 हो, क्या हो, 0 हो, तो कितनी भी घात आपकी लगी हो इकाई अंक उसका हमेशा 0 ही आएगा। तो जैसे देख लेते हैं, देखते हैं, जैसे हमने लिया, जैसे हमने लिया कितना, हमने लिया 1530, कितना लिया 1530 के ऊपर हमने लिया घात ले ली हमने 1530 के ऊपर 67 ले लेते हैं फिर से, ठीक है। और इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखिए भैया 1567 अब 4 से डिवाइड करेंगे, वही 3 शेष बचेगा। अब 1530 के ऊपर 3 शेष लगाएंगे, अब देखिए 3 शेष लगाया तो इसका मतलब है 0 की घात 3, अब 0 की घात 3 कितना, 0, ये हमेशा 0 ही आएगा। आप इसको यहाँ पर नोट बनाकर लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक ज्ञात करना हो तो उसका अगर इकाई अंक 0 हो, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो उस पर कितनी भी पावर लगी हो उसका इकाई अंक 0 ही आएगा। और बताने अगर किसी की भी संख्या के, किसी भी संख्या के इकाई का अंक 1 है, क्या है, 1 है, तो उसका हमेशा ही इकाई का अंक ज्ञात करने पर कितनी भी पावर लगी हो 1 ही आएगा। जैसे हमने लिया 121 के ऊपर आप जितनी भी पावर लगा दो इकाई अंक 1 ही आएगा, क्यों, क्योंकि इसका इकाई का अंक 1 है। जैसे देखो, जैसे हमने यहाँ पर लगाया 30, तो देखिए 30 को आप कितने से, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 28 2 बचा 121 के ऊपर 2 लगाएंगे, 1 की घात 2 का मतलब क्या, 1 हमेशा ही आएगा। एक और एकदम से आपका गोल्डन पॉइंट है, देखिए क्या कि अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 5 है, क्या है, 5 है, तो उसका हमेशा ही इकाई का अंक 5 है, आपको ज्ञात करने की जरूरत नहीं। जैसे हमने लिखा आपके लिए कि आपको इसका आंसर बताना, जैसे देखिए 29 85 के ऊपर घात हमने लगाई 65, कितनी 65, तो इसका जो है इकाई अंक आपको यहाँ से 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, सीधे बता देना है यहाँ पर अगर 5 है तो यहाँ पर इसका इकाई अंक कितना आएगा, 5 ही आएगा। ऐसा क्यों संभव हो पा रहा है, क्योंकि 5 5 के आप 5 से जितनी बार मल्टीप्लाई करो तो 55 25 25 125 25 625, लास्ट में 5 जरूर देगा, और 1 की आप चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करो 1 एकम 1 एकम 1 एक ही देगा। एक और गोल्डन पॉइंट है आपके लिए, क्या, अगर देखिए एक गोल्डन पॉइंट और है आपके लिए, क्या अगर किसी संख्या का इकाई अंक कितना हो, 6 हो, तो वो उसका इकाई अंक हमेशा ही 6 आएगा, कितना आएगा, 6 आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर आपके लिए लिया एक, देखिए जैसे हमने लिया 1246, 1246 की घात हमने ली 89। अब देखिए आप इसको आंसर ऐसे ही कह सकते हैं कि सर इसका आंसर आएगा 6, क्योंकि इसका इकाई अंक 6 है, और जैसे मैंने आपको सिखाया 4 से डिवाइड करके वैसे भी आंसर आएगा। तो देखिए 4 दूनी 8 पूरा चला गया, फिर 4 दूनी 8 कितना बचा, 1 बचा, यहाँ पर लगा देंगे तो 6 के ऊपर लगाएंगे कितना, 1 आ जाएगा। यहाँ पर हम देखो
36 की घात हम 34 कर दे रहे हैं, ठीक है, तो तब भी इसका आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। तो चेक भी कर लेते हैं, देखो 4 से भाग देते हैं, 4 8 32, कितना शेष बचा, 2, 6 के ऊपर लगा दो भाई, 6 का वर्ग करो कितना, 36, 36 में लास्ट क्या आ गया, 6 आ गया, इकाइयों क्या आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। तो ये समझ पाए आप लोगों को, ये 4 गोल्डन पॉइंट हैं, देखते ही इनको आंसर आपको बता देना है, यहाँ पर सॉल्व करने का कोई भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। ओके, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ एग्जांपल आपको समझाने का प्रयास किया गया है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और भी बेहतर हो जाए। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, बिल्कुल विधिवत पढ़ेंगे, ये कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट आया तो हमने आप लोगों के लिए ये टॉपिक प्रिपेयर किया। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमें इकाई अंक इसका बताना है। तो देखिए भैया, हम यहाँ पर सीख चुके हैं कि अगर 57 है, 57 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 1 बचा 17 हो गया, 4 चक्कू 16, 16 सोलह तो जो है शेष कितना बचा, 1, तो 3 के ऊपर लगा देंगे, 3 के ऊपर 1 शेष लगा दिया गुणे में भाई। देखिए तो यहाँ भी 4 से करेंगे तो भैया 4 दूनी 4 1 कम 4, 2 25 हो गए, 4 छिंग 24, 1 बचा 4 घात 1, मतलब क्या, 4 और 3 घात 1, मतलब यहाँ भी 3, ठीक है, और गुणे में ये क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए 4 से भाग करेंगे तो 4 8 32, 3 आया, देखिए यहाँ पर 5 1 घात 3 आएगा। तो हमने कहा था जब भी आपको 5 फंसे तो हमेशा ही 5 आएगा, वैसे भी आप 5 के घात 3 करेंगे तो 55 25 5 125, यहाँ शेष कितना यहाँ पर मिला, 5, ठीक है, इकाई कितना मिला, 5। तो देखिए यहाँ पर आगे भी हम लोग कर सकते थे, यहाँ पर देखिए आगे भी करेंगे 4 से डिवाइड, लेकिन हमसे इकाई अंक पूछा है। तो देखिए भैया 4 3 12, 12 का 2 ले लो, 2 5 10, तो क्या मिल गया हमें, 0। अब 0 ही मिलते ही, चाहे जितना आपका लिखा हो, चाहे इतनी बड़ी प्रोसेस हो, तो इकाई का अंक हमेशा ही 0 आ जाएगा। अगर कहीं पे 0 गुणा में फंस गया तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0, 0 हो जाएगा इसका इकाई अंक। यहाँ पर हमें डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें 4 5 20, यहाँ पर 0 मिल गया, अब तो 0 आना ही आना है। ओके, चलिए हम लोग इस पे देखते हैं। तो देखिए भैया, यहाँ से हमको फिर वही 4 से डिवाइड करना है, 4 दूनी 8, 2 बचे 20 हो गए, 4 5 20, तो अब देखिए यहाँ पर आपका शेष जो है 0 बचा है। जब भी हमने कहा शेष 0 बचे तो उसकी पावर लगाएंगे 4, 0 नहीं लगाएंगे, 4 लगाएंगे, ये ध्यान रखना। तो 8 के ऊपर आप 4 लगाओ प्लस, अब देखिए यहाँ पर भी 4 दूनी 8, 4 एकम 4, पूरा डिवाइड हो गया, 0 शेष बचा है, तो यहाँ पर 7 की पावर कितना, 4 लगाएंगे। तो देखिए 8 की पावर आप 4 करेंगे तो 8 8 64, और फिर दूसरा वाला वो 8 8 64, तो 4 चक्कू 16, अब इन दोनों की गुणा करा लो तो कितना, 4 चक्कू 16, 16 का केवल लो 6, ये 6 लिया 16 का, और 7 की घात 4, 7 सते 49, गुणे में 7 सते 49, भाई 2 2 के अलग करा लिए, अब दोनों को एक बार हम करा लो, 9 9 81, 81 का आपको लेना है 1, तो यहाँ पर 1 6 और 1 कितना, 7, इकाई कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा भैया। ओके, चलिए इसमें देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर आपको गुणा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इकाई अंक 5 है, तो यहाँ पर कर दीजिए भैया, इसका इकाई अंक 5 आएगा। अब इसका देखिए ये जो है 64 है, पूरा डिवाइड हो जाएगा 4 से, तो देखो कुछ भी आएगा यहाँ पर 2 के फॉर्मेट में ही आएगा, क्योंकि जो है 8 को जो है आप 4 बार लिखेंगे तो 8 8 64, 4 चक्कू 16, देखो 6 आ गया, 6 5 30, तो यहाँ पर 0 आपको बनता है, जहाँ आपका 5 बना था यहाँ पर 2 का मिल रहा था, तो आप सीधे कह सकते थे कि सर इसका इकाई अंक 0 आ जाएगा। तो जो इकाई से ही हमें यहाँ पर मतलब होता है। ओके फ्रेंड्स, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बेफिक्र रहिए, हम यूनिट डिजिट का और भी लेक्चर प्रिपेयर करेंगे। अगर आप लोगों को इसमें समझ में नहीं आया, और अच्छे से अच्छे जो अच्छे क्वेश्चन हैं, कठिन से कठिन उनका बनाने का प्रयास करेंगे, तो ये हमारा प्रयास कैसा रहा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, कोई पैसा नहीं, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल के वीडियोस को आप देखें, उनमें प्लेलिस्ट में जाएं, आपको पूरी मैथ एकदम बेसिक से विधिवत मिलेगी, कॉन्सेप्ट विद कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू गाइस।